ठीक है क्लास, पिछले टॉपिक में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया है। आज अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसका दूसरा नाम जो सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये दो दो नाम आते दोनों में से बोर्ड में कोई भी आ जाता है, ठीक है ना, देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लिखे या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन लिखे, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक ही चीज, नाम का डिफरेंस है, बस नाम आपके दोनों याद रखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में भाई ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि आप डिफरेंट सैंपल, कोई भी डिफरेंट सैंपल ले ले, कंपाउंड भले से सेम हो, कंपाउंड सेम हो, डिफरेंट सैंपल लेना, आपको पता है कंपाउंड जो बनते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उनका जो वो होगा, उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। Different sample of same compound always contain same element combined together in a same proportion by mass. अच्छा, ये आपको बात statement के तहत हुई, अब आपको example देके समझा तो समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे water, आप water बारिश के पानी से ले लें, कहीं plant किसी water plant से ले लें जहाँ पे water supply हो रही है, वहाँ से ले लें water, आप कहीं से भी water क्या कहते हैं अपना ले लें, आप जब उसे laboratory में test करेंगे तो उसका जो मास होगा वो आएगा 2 और 16, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वो है मास है वो है 2 और इसका क्या है 16, लेकिन इसमें हमेशा जो मिलेगा आपको, ये तो आपने इसकी हो तादाद होगी, अब आपको जो इसमें मिलेगा वो हमेशा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगी ही मिलेंगी, ये इसका आधा होगा, तो ये इसका कांस्टेंट कंपोजिशन है, ये इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन है कि ये तो इसमें होगा, मिनिमम ये चीज तो इसमें मौजूद होगी, ठीक है ना। अब आपको क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने H2 दे दिया आपको, यहाँ पे तो आपने H यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे H का इसका 16 लिख दिया, लेकिन आपको पार्ट बाय मास मतलब आधा इसमें जरूर मिलेगा, ये चीज तो इसमें कॉन्स्टेंट होगी 1:8, ये चीज इसमें कॉन्स्टेंट होगी। वो क्या कहता है, अब आपका लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि आप कोई भी वो ले लें, क्या कहते हैं अपना कंपाउंड ले लें, उसके जो एलिमेंट है उनका जो मास होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट, तभी इसे कांस्टेंट कंपोजिशन कहा गया, डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहा गया, फिक्स क्या कहता अपना वो फिक्स कंपोजिशन होती है, मतलब इसके लिए चेंज नहीं हो सकता, आपकी ये चीज तो चेंज हो सकती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको मैं H3O दे दूँ तो यहाँ पे आप 3 और 16 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको H2O2 दे दूँ, पर ऑक्साइड दे दूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के यहाँ पे आप 2 और यहाँ पे 32 कर देंगे, लेकिन जब आप इसको रेशियो में तब्दील करेंगे तो 1:8 रेशियो, जो कि इसका पार्ट आधा पार्ट है, पार्ट बाय मास है, वो चीज इसकी सेम होगी, वो चीज बदलेगी नहीं, इस लॉ का यही एक समझाने का मतलब, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको ये बताता है, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको बताया कि जब दोनों का वेट करेंगे आप इनिशियल रिएक्शन और फाइनल रिएक्शन का, तो वेट सेम होगा, दोनों का कंपाउंड का वेट जो है सेम होगा। यहाँ पे आपको कांस्टेंट कंपोजिशन ये बता रहा है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये बता रहा है कि आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उसका कोई भी एलिमेंट हो, उसका आधा जो मास है वो आधा जो मास होता है 1:8 हो गया, या और भी बहुत सारे मासेस होते हैं, आपको सबसे आसानी जब कोई वाटर की है, इसका ये चीज सेम होगी, 1:8 रेशियो जो है वो डेफिनाइट है, सेम है, दैट्स व्हाई कहते हैं ये ओबे कर रहा है इसको, और इसमें भी बता रहा वो ये कि स्टेटमेंट के साथ एक एग्जांपल जरूर देनी होगी, जरूरी नहीं कि बोर्ड वाले मांगे, वो तो कहेंगे जस्ट स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपको कोई भी लॉ दे सकते हैं, फैराडे का भी, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे तो फैराडे के भी बहुत सारे, लेकिन आपको एक एग्जांपल जरूर देनी पड़ेगी, कि देखिए स्टेटमेंट अगर मैं एग्जांपल बता दूं स्टेटमेंट से आपको बात समझ नहीं आएगी, बात आपको समझ आएगी जब आप एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया, ठीक है ना, इस तरह आपको समझेगी तो आपको एग्जांपल तो देनी पड़ेगी, अगर आप एग्जांपल नहीं लेंगे तो फिर वो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.5 4 सही है, इस तरह तो आपको एग्जांपल तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है क्लास।